हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रो वाइड। तो गाइस, बहुत रोने गाने के बाद और बहुत सी गालियां सुनने के बाद शाओमी ने अपने मी एवन डिवाइस में जून के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ यहां पे एंड्रॉइड ओरियो 8.1 का अपडेट दे दिया है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वहां पे मैंने कुछ इसके बेसिक फीचर्स के बारे में भी बताया था। लेकिन यहां पे ये अपडेट एक बहुत ही बड़ा बग लेके आया है, तो इसी बग के बारे में बात करूंगा और इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। तो यहां पे ये जो बग है वो ये है कि जब आप इसे अपडेट करते हैं अपने शाओमी मी एवन डिवाइस में, तो अपडेट होने के बाद आपके जो मैसेजेस हैं पूरे वाइप हो जाते हैं। जी हां, आपके डिवाइस के पूरे मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं अगर आप इसे ओरियो 8.1 वाले अपडेट को अपने शाओमी मी एवन डिवाइस में अपडेट करेंगे तो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे यूजर्स के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे शाओमी मी एवन डिवाइस में अपडेट के बाद मेरे मैसेजेस वाइप नहीं हुए, मेरे मैसेजेस एकदम से सेफ हैं। तो अगर आपके डिवाइस में मैसेजेस टोटली डिलीट हो चुके हैं, वाइप हो चुके हैं, तो अभी उनको रिस्टोर करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगर आप इन फ्यूचर के लिए ऐसा कुछ चाहते हैं कि भैया आप मैसेज आपके सिक्योर रहें, बैकअप उनका इंक्रीमेंटल बैकअप होता रहे, जैसे कि व्हाट्सएप में आप चैट्स का बैकअप लेते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो यहां पे मैं आपको दो सॉल्यूशंस बताने वाला हूं, एक है टेम्पररी और एक है परमानेंट। तो टेम्पररी सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं, तो अगर आपके डिवाइस में कोई अपडेट आता है और चाहते हैं कि मैसेज वाइप ना हो, अगर ऐसा कोई बग आता है तो उस सिचुएशन में आप सुपर बैकअप एंड रिस्टोर नाम का एक ऐप यूज कर सकते हैं। इसको यूज करके आप सिंपली अपने जो टोटल मैसेज हैं उनका बैकअप ले सकते हैं और उन मैसेज को XML फॉर्मेट में अपने क्लाउड में यानी कि मेल कर सकते हैं या फिर अपनी ड्राइव पे स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके बाद अपडेट हो जाने के बाद अगर सपोज आपके मैसेज वाइप होते हैं, तो आप सेम यही वाले ऐप को यूज करके मैसेज को उसी फाइल के थ्रू फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं आपसे परमानेंट सॉल्यूशन की, तो परमानेंट सॉल्यूशन है भैया कि माइक्रोसॉफ्ट का SMS ऑर्गेनाइजर ऐप आप यूज करो। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ था, तो यहां पे आपको कार्ड्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो बेसिकली करना क्या है कि आपको SMS ऑर्गेनाइजर जो माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है उसे यूज करना है अपने डिफॉल्ट मैसेज ऐप के तौर पे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली अपने किसी गूगल अकाउंट को असाइन कर सकते हैं कि भैया इस अकाउंट में मेरे SMSs के बैकअप सेव होने हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि बैकअप आपको डेली चाहिए, मैनुअली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डेली सेट कर रखा है ताकि डेली ये जितने भी मैसेज आते होंगे सारे मैसेज का एक बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप मेरे ड्राइव पे क्रिएट करता रहता है। और सपोज मेरे मैसेज कभी वाइप होते हैं तो उसके बाद मैं इसी ऐप के थ्रू आके सिंपली रिस्टोर कर लूंगा, तो उसके बाद मेरे सारे मैसेज वापस आ जाएंगे। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है अगर आप अपने मैसेज को वाइप होने से बचाना चाहते हैं तो। और मैं अपने Xiaomi Mi 11 डिवाइस में, इवन और भी कई डिवाइसेस में माइक्रोसॉफ्ट का ये SMS ऑर्गेनाइजर ऐप ही यूज़ करता हूँ डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप के तौर पे। तो गाइस, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपके Xiaomi Mi 11 डिवाइस में ओरियो 8.1 अपडेट आने के बाद मैसेज आपके वाइप हुए हैं या नहीं हुए हैं। मेरा नहीं हुआ है, बट बहुत से लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उनका मैसेज वाइप हो गया है अपडेट करने के कुछ टाइम के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।